देखिए समोसा फाफड़ा गुजरात में काफी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दीव को 1500s में पोर्चुगीज सेटलर ने एस्टेब्लिश किया था। पूरा बीच खाली है, सब हम तीन लोग हैं यहाँ पर। काफी रात हो गई है तो लंग में रुक जाते हैं। Along the way to Diu. The next morning. नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं दीव के लिए। हम अभी रास्ते में हैं। ये हमारा कमरा है होटल तुलसी में। दीव 170 किलोमीटर दूर है, लगभग 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में। नाश्ता करके ही चलते हैं यहाँ से। देखिए समोसा फाफड़ा आलू बंडा और ढोकला। अभी हमारे आइस पॉक्स के लिए आइस ढूंढ रहे हैं, गांव में घुस गए हैं। मिल गई बर्फ, रबी दीव चलते हैं। ओपन रोड कितना अच्छा है। पाम ट्रीज देख के बीच जाने का मन कर रहा है। रात में काफी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Parkers, fireflies, dead quiet summer nights. पहुंच रही है दीव। ये इंडिया की 8 यूनियन टेरिटोरीज में से एक है। दीव को 1500s में पोर्चुगीज सेटलर ने एस्टेब्लिश किया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद दीव को इंडिपेंडेंस मिल गई और ये इंडिया का पार्ट बन गया। हमारा पहला स्टॉप गोगला बीच है। बहुत सालों बाद ओशन के बीच पर जा रही हूँ। पीछे देखो पीछे। बहुत टाइम बाद समुंदर में प्रवेश कर रही हूँ। बहुत अच्छा। रुक जा, एकदम भागी जा रही है। कुत्ता भी कितना मस्त एंजॉय कर रहा है। देखिए ये दीव फोर्ट, बाद में वहां एक्सप्लोर करेंगे। ये दिलचस्प है, देखिए कैसे बनाई है।
काफ़ी धूप ले ली है। हमारा अगला स्टॉप गर्मी से राहत के लिए परफेक्ट है, श्री राम विजय रिफ्रेशमेंट। अगर दीव आते हैं तो यहाँ ज़रूर आना। क्रीम सोडा बाकी इंडिया में बहुत महंगा है और इम्पोर्टेड है, लेकिन यहाँ दीव में बनता है, एकदम परफेक्ट क्वालिटी है और सस्ता भी बेचते हैं, सिर्फ 20 रुपये एक बारल के लिए। अगर मन है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.